हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वाईफाई नॉलेज हब। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बी फार्मा कोर्स के बारे में बताऊंगी। बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा करने के लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फार्मेसी कितने ईयर की होती है, बी फार्मा करने के लिए आपकी फ़ीस कितनी लगती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म कब आते हैं, बी फार्मा कैसे करें, करियर प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, सैलरी कितनी मिल सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप बी फार्मा करने की सोच रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है बी फार्मा होता क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोर्सेज के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर हम कोई भी कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो हमें उस कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण आगे चलकर फार्मेसी बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे स्टूडेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो उस कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले लें। तो आइए जानते हैं बी फार्मा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी जो है मेडिकल की प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग एंड एडिशनल क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड करने की साइंस एंड टेक्निक है, जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से कन्वर्ट करता है। और इसका एम जो होता है मेडिसिन को सेफ्टी, इफेक्टिव एंड मेडिसिन के यूज को सुनिश्चित करता है। अब हम जानते हैं बी फार्मा क्या होता है। बी फार्मा का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये एक ग्रेजुएशन लेवल का फार्मेसी कोर्स होता है। ये दो तरीक़ों से किया जाता है। फर्स्ट, रेगुलर बी फार्मा, जो कि आप 12th पास करने के बाद इसे कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है लेटरल एंट्री, जो कि आप डी फार्मा के बाद कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बी फार्मा करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट अपने करियर की शुरुआत बहुत जल्दी करना चाहते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसा भी चाहते हैं 10th पास करने के बाद कोई जॉब मिल जाए और पैसे आने लगे। लेकिन आपको बी फार्मा करने के लिए 12th पास करना होगा, तभी आप बी फार्मा में एंट्री ले पाएंगे, क्योंकि ये एक बैचलर डिग्री का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी साइंस स्ट्रीम से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से 50-60% मार्क होने चाहिए। और हाँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी इन दोनों कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म जो होते हैं दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाते हैं। और जो इसके एप्लीकेशन फ़ीस होते हैं वो मेल के जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की 1200 रुपये और फीमेल एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की 600 रुपये होती है। दोस्तों, अब बात आती है हमें कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। हर स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा होगा या प्राइवेट कॉलेज। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की हमारी फ़ीस जो होती है प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले कम होती है। तो आप किसी भी कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं जो आपको सही लगे। दोस्तों, अब बात आती है कि बी फार्मा कितने ईयर का कोर्स होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये 4 ईयर का कोर्स होता है जिसे 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। इसे पूरा करने के लिए आपको हर 6 मंथ में एग्ज़ाम देने होते हैं, वो भी 8 बार। आपको हर सेमेस्टर को पास करना कंपलसरी होता है। और लेटरल एंट्री का जो कोर्स होता है वो 3 ईयर का कोर्स होता है। अब बात आती है बी फार्मा कोर्स करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है। सभी स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री लेने से पहले फ़ीस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपने बजट में देखना होता है। हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसकी जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है लगभग 20,000 से 1.5 लाख रुपये होती है पर ईयर। जैसा कि मैंने बताया कि हर कॉलेज में अलग अलग फ़ीस चार्ज करते हैं, ये तो प्राइवेट कॉलेज की बात है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात आती है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले बहुत कम होती है। आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बी फार्मा का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, बी फार्मा कोर्स में एडमिशन फार्मेसी इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम में लिए गए रैंक के आधार पर होती है, जो सभी फार्मेसी के प्रतिष्ठित कंडक्टर द्वारा करवाया जाता है। और बी फार्मा कोर्स का जो प्रोसेस होता है, बी फार्मा में इंस्टीट्यूट के आधार पर ईयर 6 से 12 सब्जेक्ट को कवर किया जाता है।
और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को मई टू जून में एक एनुअल एग्जाम के आधार पर आंका जाता है। अब हम जानते हैं करियर प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बी फार्मा करने के बाद फिक्स नहीं कर पाते कि आगे क्या करना चाहिए। जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है वो जॉब करने में लग जाते हैं और कई लोग अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। इसलिए आपको खुद से फिक्स करना होगा कि क्या करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आपको जॉब करना चाहिए या अपना खुद का मेडिकल शॉप ओपन करना चाहिए। जॉब मेडिकल फील्ड में आप कहीं भी कर सकते हैं, दवा बनाने की कंपनी में, दवा बेचने की कंपनी में, मेडिकल शॉप पर या किसी हॉस्पिटल क्लिनिक पर आसानी से जॉब पा सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ाई जारी करना है तो बी फार्मा के ग्रेजुएट लेवल एमएस फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी, एमबीए फार्मा जैसे हाई एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम जैसे सभी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम देने के ऑप्शन रहते हैं। इसके साथ आप प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड मेडिकल अंडरराइटिंग में प्रोडक्शन आदि के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है सैलरी की। बी फार्मा करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है? गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 30,000 रुपये से 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल सकती है। बात आती है प्राइवेट सेक्टर की तो आपको 20,000 रुपये से 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका लेवल अच्छा है तो आपको इससे भी अच्छी सैलरी मिल सकती है।